स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं ऑल सब्जेक्ट के भी, और उतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूं आप सभी के लिए। आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि आप जितना मुझसे एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं उतना शायद मैं आपके लिए अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। चलिए सबसे पहले आप सभी को गुड न्यूज दे देता हूं कि सबसे पहले आपको कल से हाफ डे स्कूल हो रहे हैं। मे बी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को कुछ स्कूल में स्पेशल क्लास के लिए कुछ देर के लिए रुका जाएगा या कुछ स्कूल में छोड़ देंगे। फाइनली टाइम आपको ज्यादा मिलने वाला है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आखिरी मौका होगा आपको अपने स्कूल में एग्जाम लिखने के लिए। आपको प्रूफ करना है कि आप एग्जाम अच्छी तरह लिखे हैं, एक कंप्लीटली आपको प्रूफ कर, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, हम यही सोचकर स्कूल में ज्वाइन हुए थे कि हम 10th क्लास पास होकर आगे प्रमोट होकर हम जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट्स ये सोचकर नहीं एडमिशन लेता है कि मैं 10th क्लास में फेल होऊंगा या 10th क्लास डिसकंटिन्यू करूंगा। वो आपको सिचुएशन आ ही गया है कि आप अपने स्कूल को अब अलविदा कहेंगे। लेकिन कल से आपके प्री फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं। एक बेनिफिट ये है, बोर्ड एग्जाम में शायद इसका बेनिफिट नहीं होगा, आपको अभी इसका बेनिफिट होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में रेगुलर एग्जाम्स है। अभी आपको बेनिफिट ये है कि एक दिन आपको अल्टरनेट डे एग्जाम्स है, तो इससे आपको थोड़ा सा रिवाइज का मौका मिल जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज आपको करने का टाइम मिल जाएगा, कंसंट्रेट अपने सब्जेक्ट पे अच्छा आप कर पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भी आप सभी से उम्मीद करता हूं, ट्रस्ट करता हूं कि आप सभी एग्जाम अच्छा लिखे, आपके एग्जाम अच्छे ही जाए। पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। आप शायद कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, फिर भी पॉजिटिव आपको रहना है कि हाँ मैं लिख कर आऊंगा। अगर पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, 10%, 20%, 30% जितना भी पढ़े हैं उसके अंदर ही आपको 100% पॉजिटिव रहना है। ये सोचकर जाना है एग्जाम में कि मैं इस एग्जाम्स को अच्छी तरह लिख कर ही आऊंगा। नेगेटिविटी अपने दिमाग में थोड़ी भी मत रखिए कि मैं एग्जाम कैसा लिखूंगा, फेल हो जाऊंगा, मुझे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये नेगेटिविटी बिल्कुल हटा दीजिए अपने माइंड से। बस ये सोचकर जाइए कि मैं पूरे आंसर्स लिख कर ही आऊंगा, चाहे मुझको थोड़ा ही क्यों ना हो याद हो, उसका यूटिलाइज करते हुए मैं कंप्लीटली आंसर्स लिख कर आऊंगा। ये पॉजिटिविटी के साथ जाइए आप, नेगेटिविटी बिल्कुल मत लेकर जाइए। पॉजिटिव रहेंगे तो एग्जाम भी पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव देखेंगे आएगा नहीं आएगा, हम पढ़े सो आता नहीं आता, हम याद करेंगे आया नहीं आया, कंफ्यूजन में रहेंगे तो और ज्यादा आपका कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, और कुछ भी नहीं होगा अगर ये नहीं याद किए हैं तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि लास्ट मौका है। इसके बाद आपको स्कूल में शायद कभी मौका नहीं मिलेगा एग्जाम लिखने की, आपकी स्कूल लाइफ खत्म हो जाएगी, आप कॉलेज में जाओगे, वहां का अलग एजुकेशन होगा, वहां पर प्रोफेशनली तौर पर होगा, कोई अलग 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 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो 10th क्लास सभी के लिए बेसिक क्लास है, एक ही आपको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, थोड़ा मेहनत कीजिए। मेरे चैनल पे नहीं देखे तो कोई बात नहीं है, मेरे चैनल को फॉलो नहीं करे कोई बात नहीं है, आप अपने तरफ से सेल्फ स्टडी तो भी आप कीजिए या अपने टीचर्स के पास जाकर कीजिए, लेकिन कॉन्फिडेंशियली कीजिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रह गया है कि बहुत कुछ आप कर सकते हो। कल से आप लिखने जाएंगे, कल उर्दू, हिंदी, तेलुगु फर्स्ट लैंग्वेज स्टूडेंट्स को होंगे, फिर परसों सेकंड लैंग्वेज। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एवरीथिंग का मटेरियल पड़ा हुआ है, आप सर्च करके चेक करके याद कर सकते हो, या फिर से मैं दोबारा फ्रेश वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। एनुअल के लिए भी एक अंतिम रिवीजन मैं आपके लिए अपलोड करूंगा, पूरी स्ट्रेटजी एक एक वीडियो डिटेल्स में अपलोड करूंगा। एक वीडियो अगर आप देख कर जाएंगे तो एनुअल एग्जाम के लिए आपके लिए काफी होगा, सारा मटेरियल आपको उसके अंदर मिल जाएगा, कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनुअल के लिए मैंने वो वीडियोस बना रहा हूँ कि एक दो वीडियोस आपके लिए काफी हो जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू उसके अंदर आ जाएगा।
तो लेकिन जबके लिए उससे पहले हमको प्री फाइनल लिखना है, और प्री फाइनल आपको डिसाइड करेंगे कि आप किस तरह लिखते हो। बहुत सारे गलतियां हम कर चुके हैं प्रैक्टिस पेपर वन, प्रैक्टिस पेपर टू या प्री फाइनल वन में, वो गलतियां आपको अभी दोहराना नहीं है। अगर अभी भी वो गलती दोहराते हैं तो एनिवल तक उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन काहली या किसी चीज का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल मत कीजिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत क्रूशल टाइम है आपके लिए। ये टाइम अगर निकल जाएगा तो ये टाइम ये आपको या ले डूबेगा या आपको ऊपर लेकर जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो वीक स्टूडेंट्स हो, चाहे क्लेवर स्टूडेंट्स हो, या चाहे वो एवरेज स्टूडेंट्स हो, सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स से पास हो, यही मेरी मनोकामना है, यही मेरा इंटेंशन है। क्योंकि सबने उतना ही टाइम दिया है एजुकेशन के लिए, 10th क्लास के लिए, सबने उतना ही वक्त देकर उतना ही क्लास में बैठे हैं, सबको वही टीचर पढ़ाए हैं, सब लोग वही सब्जेक्ट पढ़े हैं। इसीलिए मेरा इंटेंशन है कि सब लोग पास हो जाए। जो मेहनत करे हैं वो लोग को अच्छे मार्क्स आएंगे, ये तो कॉन्फिडेंस होंगे वो लोग। लेकिन जो नहीं पढ़े, जो डिमोटिवेट है, वो स्टूडेंट डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिवली आप एग्जाम्स में जाइए। अगर प्री फाइनल एग्जाम से एक आध अच्छा नहीं जाता है तो उसके लिए नेक्स्ट मेहनत कीजिए। मैंने पहले भी कहा था, फिर एक बार आपके लिए दोहरा देता हूं, क्योंकि आपका जो प्री फाइनल एग्जाम्स रहेंगे, एनुअल में बहुत सारा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। एनुअल के एग्जाम्स बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए अलग से मैं वीडियो सेपरेट बनाऊंगा। लेकिन कल आप प्री फाइनल लिखने जा रहे हो, मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर्स, 3 मॉडल पेपर्स के क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, अच्छी तरह याद कीजिए वो क्वेश्चंस। क्योंकि मैं आंसर्स इसलिए अपलोड नहीं किया, बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स फिर क्या कर रहे हैं कि मैं दिए सो फिर याद करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद जो याद किए उसको छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एनुअल के वक्त मैं आंसर्स के साथ अपलोड करूंगा, क्योंकि अभी आप देखते हैं कि लगातार मैं यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन एनुअल के लिए अब हाफ डे स्कूल हो गए, हमारे पास टाइम मिलेगा, और एवरीथिंग डिटेल्स में, ईट एंड एवरीथिंग आपको समझाऊंगा, अपलोड भी मैं करूंगा। कहीं से आपको किसी के डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, उतना मैं कर सकता हूँ, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। तो कल जब एग्जाम लिखने जाएंगे, सभी ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स। बस खुशी खुशी जाइए और खुशी खुशी आइए, सबसे अच्छे से मिलिए। कोई दोस्त फ्रेंड से नहीं बनती थी, या कोई टीचर से आपकी नहीं बनती थी, या किसी से लड़ लिए, सबसे मिल लीजिए और सबसे माफी मांग लीजिए। माफी मांगने से कोई छोटे नहीं होते, और माफ कर देने से कोई बड़े नहीं होते। जो भी दिल में किनाई है या दूरियां हैं उसको दूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमको अफसोस ना हो कि अरे मेरे स्कूल में मैं फला स्टूडेंट से, फला फ्रेंड से नाराज था, अब जाकर मैं उससे माफी मांगूंगा तो वो हो ना ही पाएगा, वो इम्पॉसिबल होगा, वो स्टूडेंट कहीं और होगा, आप कहीं और होगे, नहीं होगा। इसलिए दिल में कोई अगर चीज है तो सबसे क्षमा मांगिए, या आपसे कोई नहीं बात करे, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ हुआ है, नाराज है, तो उनको क्षमा कर दीजिए, दिल बड़ा कर लीजिए, खुशी खुशी जाइए, अपने स्कूल का पूरा लुत्फ उठाइए, सभी टीचर से इतने अच्छी तरह रेस्पेक्टिवली मिलिए, और अच्छी तरह लिखने की कोशिश कीजिए। 6 एग्जाम्स है बस, ये लास्ट एग्जाम आपका डिसाइड करेंगे 10th क्लास के लिए आप क्या कर पाते हो। बस इतना ही मोटिवेट करना था आपको। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा।